जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के किसान भवन से कालाबाजारी के लिए चने का बीज किसान सलाहकार द्वारा ले जाने से संबंधित वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में चने के बीज कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे थे, जिसका ग्रामीणों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद किसान जहां अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं कालाबाजारी करने वाले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। किसानों का कहना है कि उन्हें विभाग द्वारा बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए उपलब्ध बीज की कालाबाजारी पर उसे मार्केट में बेचा जा रहा है। वही वीडियो वायरल होने के संबंध में पूछे जाने पर डीएम रिची पांडे ने कहा कि रतनी फरीदपुर किसान भवन से कालाबाजारी के लिए चने का बीज ले जाने संबंधित वीडियो की जानकारी उन्हें मिली है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी जांच करने को भी कहा है। किसान भवन जाकर भौतिक सत्यापन करने तथा अब तक कितने बीज उपलब्ध हुए हैं तथा कितने बीज का वितरण किया गया है, इसकी जांच कर उन्हें रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगर कोई अनियमितता मिलेगी तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि रतनी किसान भवन से मैं जो चने का बीज आया है उसमें कालाबाजारी के उद्देश्य से उसको कहीं और अन्य स्थल पे ले जाया जा रहा था। तो इस मामले का सत्यापन करने के लिए और इस पर विस्तृत जांच करने के लिए मैंने अभी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया है और उनको ये भी कहा है कि वहाँ पर भौतिक रूप से कितना वहाँ पर स्टॉक उपलब्ध है उसकी भी जाँच कर लें और साथ ही साथ वहाँ से जितना भी जो डिस्पैच हुआ है विभिन्न डीलरों का उसका भी सत्यापन कर लें और साथ ही साथ यदि इसमें कोई भी गड़बड़ी या अनियमितता प्रकाश में आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी संबंधित कर्मी है या और अन्य कोई व्यक्ति है उसकी। जहानाबाद से अशोक कुमार की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।